हालेलुया। इस वचन का टाइटल है मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में एकता। मसीह की देह कौन है, क्या है, क्या है? कलीसिया। प्रभु ने अपनी देह किसे कहा? कलीसिया को अपनी देह कहा है। कलीसिया में एकता के बारे में पौलुस यहाँ पर बात करता है। और पौलुस जब एकता के बारे में कलीसिया में बात करता है कि कैसे हमें कलीसिया में एकता को बनाए रखना है, क्यों कलीसिया में हमें एकता को बनाए रखना है, और जब हमारी कलीसिया में एकता जब नहीं होती उसका प्रभाव कलीसिया के काम में क्या पड़ता है, पौलुस इसे बताता है। और जब हम इसे पढ़ेंगे एक बड़ी अच्छी बात इसमें हम पाते हैं कि जब पौलुस एकता के बारे में, कलीसियाई एकता के बारे में जब बात करता है तो सबसे पहले वो बुलाहट के बारे में बात करता है कि जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो वैसे अपनी बुलाहट के अनुसार तुम अपनी चाल चलन को बनाइए। इफिसियों 4 उसका 1-3 तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं जो प्रभु का बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे के प्रति सहनशीलता प्रकट करो और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर वो आत्मा की एकता की बात करता है। आत्मा की एकता की सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर पौलुस बात करता है। जब वो कलीसिया की एकता की बात करता है उससे पहले उसने एक बात बोली है, मैं प्रभु का जो बंधुआ हूँ तुमसे निवेदन करता हूँ। क्या करता हूँ? आग्रह करता हूँ, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ। जब इस तरीके से पौलुस जब बोलता है उसकी, पौलुस की नम्रता को भी हम देखते हैं। कलीसिया के सामने निवेदन करना, लोगों को निवेदन करना मतलब हाथ जोड़ के उन्हें बोलना, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, परमेश्वर की बुलाहट हर उस व्यक्ति के लिए है जो, जिसे परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया, जिसे चुना है। पूरी कलीसिया के लिए परमेश्वर की बुलाहट है। ज़्यादातर जब बुलाहट के बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं बुलाहट, सेवा की बुलाहट तो एक पास्टर के लिए होती है या फिर एक किसी मिशनरी के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि बुलाहट पूरी कलीसिया के लिए, हम सब के लिए बुलाहट है। आप लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बुलाहट है? कौन कौन विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है? कौन कौन बिलीव करते हैं? परमेश्वर ने हमें सृजा है, इस संसार में रखा, इस धरती पर रखा है, हमें सबसे अलग हटके हमें उसने हमारी सृष्टि की है। इसका मतलब हमारा जीवन जो है वो सामान्य जीवन नहीं है। परमेश्वर ने चुना है कि इस जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का काम हो, और परमेश्वर ने अपना काम करने के लिए, अपनी महिमा करने के लिए अपनी बुलाहट पूरी कलीसिया को दी है। हालेलुया। सब बोलेंगे कि परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है। ठीक है, परमेश्वर ने हमें बुलाहट दी है, लेकिन हमें जानने की जरूरत है परमेश्वर ने जो बुलाहट हमें दी है वो बुलाहट क्या है। आप लोग क्या सोचते हैं कि हम सब के लिए उसकी बुलाहट क्या है? आप में से कोई भी बोल सकते हैं, जोर से बोलिए। उसकी बुलाहट परमेश्वर की कलीसिया के लिए, हम सब के लिए उसकी बुलाहट क्या है? आपके जीवनों के लिए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या बुलाहट परमेश्वर की ओर से? हम मसीह में एक हो जाएं, ये हमारी बुलाहट है। बढ़िया, ताली बजाएं बहन के लिए। हम मसीह में एक होके रहें, ये हमारी बुलाहट है। ठीक है, और कोई जोर से बोलिए। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बाहर जाकर मेरे नाम का प्रचार लोगों के बीच में करो। हमारे जीवन के लिए उसकी बुलाहट ये है। सही है, और कोई? हम एक ही उसके साथ, वो एक ही देह एक ही आत्मा, उसके साथ में हम उसकी एकता में हम बंध जाएं। ठीक है, अगर हम शुरुआत में देखें, अगर परमेश्वर ने जहाँ से सृष्टि की रचना की, जब उसने पूरी सृष्टि को बनाया,
जब उसने पूरी सृष्टि को तैयार किया, उस वक्त हम देख सकते हैं परमेश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या थी। हालेलुया। हम यहाँ पे नए नियम में नहीं पाते, नए नियम में तो बहुत जगह हमें बार बार बताया जाता है, लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य जाति के लिए क्या थी हम बाइबल की पहली किताब में और पहले अध्याय में पाते हैं। हालेलुया। क्या बाइबल की पहली किताब कौन सी है? उत्पत्ति एक अध्याय निकालेंगे, उसका वचन अध्याय, उत्पत्ति अध्याय एक उसका 27 वचन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप में समानता के अनुसार बनाए, और आगे उसमें लिखा है कि वो समुद्र की मछली और आकाश पक्षियों के ऊपर, घरेलू पक्षियों सबके ऊपर वो क्या करे, अधिकार रखे। अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें सृजा। अब सब अपने आप को बोलें, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूँ। अब परमेश्वर के स्वरूप के बारे में जब हम बात करते हैं, तो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, उसने अपना स्वरूप, मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ इस बात को, अपना स्वरूप मतलब अपने गुण, अपनी, अपना प्रेम, अपना जो चरित्र, अपना व्यवहार परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में डाला। उसने अपने स्वरूप में इस रीति से हमें बनाया कि उसने अपना चरित्र, अपना प्रेम, अपना व्यवहार हमारे जीवनों में, अपने गुण उसने हमारे जीवनों में डाल दिए। हालेलुया। ठीक है, उसने अपना गुण, अपना चरित्र, अपना व्यवहार परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में डाल दिया। क्यों डाल दिया? परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए, हमारी बुलाहट क्या है, हम यहां पर पाते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, अपना गुण, अपना व्यवहार, अपना प्रेम, सारे गुण उसके अंदर उसने डाले। परमेश्वर की योजना वहीं से शुरू होती है। परमेश्वर की योजना ये थी कि मैंने अपने गुण जो मैंने आदम के जीवन में डाले हैं, मैंने अपना व्यवहार जो मैंने आदम के जीवन में डाला है, मैंने अपना प्रेम जो मैंने आदम के जीवन में डाला है, ये प्रेम, ये व्यवहार पृथ्वी भर में फैलता चला जाए। इसके तुरंत बाद परमेश्वर ने उसको क्या कहा, फूलो फूलो और क्या क्या हो जाओ। परमेश्वर ने उसको आशीष दी, फूलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ, भर जाओ। परमेश्वर की योजना ये थी कि जो मैंने अपना गुण, प्रेम, सामर्थ, व्यवहार जो मैंने मनुष्य के जीवन में डाली है, आदम के जीवन में डाली, उसकी योजना ये थी कि मेरे गुण पूरी पृथ्वी पर फैल जाएं। मैंने अपने गुण आदम के जीवन में डाले हैं, उसके बाद ये गुण आदम के द्वारा आदम की पीढ़ी में जाएंगे, उसके बाद आदम की पीढ़ी के द्वारा मेरे गुण उसकी पीढ़ी में जाएंगे, और धीरे धीरे ऐसे करते करते आदम की पीढ़ी के द्वारा सारी सृष्टि मेरे प्रेम, मेरे गुण, मेरे व्यवहार, मेरी महिमा से भर जाएगी। हालेलुया। उसकी योजना ये है हमारे जीवनों के द्वारा, इसलिए उसने हमें सृजा है, इसलिए उसने अपने स्वरूप में हमें सृजा है, इसलिए अपना गुण, अपना व्यवहार, अपना प्रेम उसने हमारे जीवनों में डाला है कि पूरी सृष्टि उसके गुणों से भरपूर हो जाए। ये उसकी योजना थी। परमेश्वर सारी सृष्टि को अपनी महिमा से भरी हुई देखना चाहता है। परमेश्वर पूरी सृष्टि से में अपने गुणों को देखना चाहता है। चारों ओर जितनी भी जाति के लोग हैं, जितने भी संदर्भ के लोग हैं, हर जगह परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके गुण पाए जाए उन लोगों के जीवनों में, उसकी, उसका व्यवहार पाया जाए पूरी उन लोगों के जीवनों में, ताकि पूरी सृष्टि, हालेलुया, उसकी महिमा से भर जाए। ये उसकी योजना है हमारे जीवनों के द्वारा। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर ने हमें अपनी योजना में शामिल कर लिया, उसने अपने गुण आदम के अंदर डाले थे, किस योजना से, कि सारी सृष्टि में फैल जाए। लेकिन क्या उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा डाले गए गुण जो उसने आदम में डाले थे, क्या सारे पृथ्वी पर फैले? आवाज नहीं आती। क्या वो गुण फैले जो उसने, परमेश्वर ने आदम के जीवन में डाले थे? नहीं फैले। कारण क्या था, क्या हुआ, जो परमेश्वर ने जो गुण मनुष्य के अंदर डाले थे, अपने गुणों को फैलाने की योजना जो परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन में तैयार की थी, वो क्यों बीच में रुक गई? क्या कारण था? क्योंकि मनुष्य ने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करके, पाप करके, परमेश्वर के गुणों की निंदा कर दी, और परमेश्वर के गुणों की निंदा करने के कारण उसके जीवन में जो पाप आया,
इसलिए परमेश्वर ने उसे अपनी उपस्थिति से बाहर कर दिया। परमेश्वर के गुण जो उसके अंदर थे, पाप के कारण, निंदा करने के कारण, परमेश्वर ने उसको अपने पास से निकाल दिया। अब क्या, अब पाप करने के बाद क्या अब परमेश्वर के गुण आदम में है? नहीं। अब किसके गुण उसके जीवन में है? किसके हैं? अब शैतान के गुण उसके जीवन में है, पाप उसके जीवन में है। कहां परमेश्वर अपनी योजना को पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता, अपने गुणों को पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता था, लेकिन पाप के कारण, अब शैतान के काम के कारण पाप पूरी पृथ्वी पर फैल रहा है। आदम की पीढ़ी दर पीढ़ी पाप फैलता चला गया और आज तक इंसान के जीवनों में पाप फैला हुआ है। बाइबल कहती सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की योजना पाप के कारण, शैतान की बातों में आने के कारण मनुष्य परमेश्वर की योजना से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि जिस योजना में उसने हमें शामिल किया था, परमेश्वर वापिस हमें उस योजना में लाने के लिए उसने रास्ता निकाला। वो हमसे प्रेम करता है। जब मैं किसी को सुसमाचार सुनाता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि परमेश्वर का जो संबंध है मनुष्य के साथ में, उसको आप एक पिता और बेटे के प्रेम के को लेकर आप देख सकते हैं। हालेलुया। पाप करने के द्वारा इंसान ने गलती की, परमेश्वर के गुण उसके जीवन के द्वारा फैलने बंद हो गए, उसके जीवन में पाप आ गया, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उससे प्रेम करता। क्यों? क्योंकि उसने अपने हाथों से उसे बनाया, अपने स्वरूप में उसे बनाया था, परमेश्वर उससे प्रेम करता था। अब ये योजना जो बंद हो गई थी पाप करने के कारण, इस योजना को दोबारा शुरू करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, क्या किया? अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ के वो धरती पर आ गया। कौन, किस, कैसे वो आया, कैसे आया? उस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए जो परमेश्वर ने आरंभ से शुरू की थी, वो जब बंद हो गई थी, उसी प्रक्रिया को दोबारा से शुरू करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो परमेश्वर के गुणों की जगह जो शैतान के गुण हमारे जीवनों में आए थे, जो पाप हमारे जीवनों में आया था, फिर से यीशु मसीह के क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा, उस पर हम विश्वास करने के द्वारा, उसके द्वारा लहू से शुद्ध होने के द्वारा, फिर से उसके गुणों से हम भरने शुरू हो जाएं। उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया ताकि हम पापों से बाहर निकल कर फिर से उसकी योजना में एक हो जाएं। हालेलुया, ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। उसने अपनी योजना को वहां पर बंद नहीं किया, उसने लगातार रखा। कोई बात नहीं, इंसान ने पाप किया, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं उसे एक मौका और दूंगा। परमेश्वर ने हमें एक मौका और दिया अपने बेटे यीशु मसीह को भेजकर। यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, जिन्होंने परमेश्वर की निंदा की थी, जिन्होंने परमेश्वर के स्वरूप की निंदा की थी, उनके लिए, हम सब के लिए, सारी सृष्टि के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हो गए। और जब हम विश्वास करते हैं, हालेलुया, जब हम विश्वास करते हैं, हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमें पवित्र करता है और हमें शुद्ध करता है, ताकि फिर से वही प्रक्रिया हमारे जीवन में शुरू हो जाए जो उसने आदम के जीवन से शुरू की थी। ये परमेश्वर की इच्छा है। वो प्रक्रिया पाप के कारण बंद हुई, लेकिन अब इस युग में परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजकर हमारे अंदर वही प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी। उसने एक बड़ी कीमत चुकाई इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए। उसने अपना बलिदान दिया इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने के लिए। हालेलुया। ये उसकी योजना थी कि मेरे गुण सारी पृथ्वी पर फैल जाए। अब वो चाहता है उसके गुण सारी पृथ्वी पर फैल जाए, लेकिन क्या उसके गुणों को सारी पृथ्वी पर फैलाने का, उसके गुणों से, उसकी महिमा से सारी सृष्टि भर जाए, क्या ये एक सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का काम है? क्या सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का काम है? किसका काम है? कलीसिया का काम है, हम सब का काम है कि एक बार फिर से उसकी प्रारंभिक योजना में हम फिर से शामिल हो जाएं और पूरी कलीसिया हम मिलकर फिर से परमेश्वर के गुणों को इस सारे संसार में फैलाना शुरू करें। हालेलुया।
किन किन को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम उसकी योजना में यीशु मसीह के द्वारा दोबारा शामिल होते हैं। अब वो गुण क्या थे, वो गुण कैसे थे, हमें कैसे उन गुणों में जीना है, कैसे हमें चलना है, वो गुण, वो प्रक्रिया कैसे हमारे जीवनों में शुरू होगी, उसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक आदर्श के रूप में हमारे सामने रखा है। पहला पत्रस उसका 2:21-24 हम पढ़ेंगे। तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा, तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा, तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आदर्श के रूप में, बोलिए आदर्श के रूप में, किसके रूप में? उदाहरण के रूप में, उदाहरण के रूप में उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे सामने रखा है, उसके बलिदान को हमारे सामने रखा है, कि अब वो प्रारंभिक प्रक्रिया जो आदम के जीवन से उसने शुरू की थी, अब जब यीशु मसीह के द्वारा तुम शुद्ध होते हो, तुम पवित्र होते हो, तुम्हें कैसे अब वो गुणों को पता करना, क्या वो थे, कैसे वो प्रक्रिया, क्या वो प्रक्रिया थी, कैसे आप लोगों को पता करना है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को आदर्श के रूप में हमारे सामने रख दिया कि हम उसको देखें, हमारी नज़र उसकी ओर हो और हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए और दोबारा से यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह के प्रेम में अपने जीवन को जीते हुए हम दोबारा से फिर से उसकी प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। उसने उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखा है, हमें जीना है जैसे हमारा मसीह, हमारा प्रभु जिया, हमें चलना है, इसमें लिखा उसके पद चिन्हों पर चल सको। उसके पद चिन्ह मतलब जैसे वो चला, जैसे उसने जीवन जिया, जैसे उसका व्यवहार था, जैसे उसका चरित्र था, वैसे हम उसके अनुसार, ठीक वैसे ही हम भी अपने जीवन को जिए। हालेलुया। ये योजना, परमेश्वर की प्रारंभिक योजना यीशु मसीह के द्वारा फिर से हमारे जीवनों में इस रीति से जुड़ती है। हालेलुया। अब हमें इस योजना को कैसे फैलाना है, उसके अनुसार जीवन जी के, ताकि सारी सृष्टि पर हमारे द्वारा उसकी महिमा हो और उसके गुण फैलते चले जाएं। हालेलुया। अब इफिसियों में आ जाए दोबारा से, इफिसियों 4 में, हालेलुया। हमने ये पता कर लिया हमारे जीवन के लिए उसकी योजना क्या है, किस किस को पता चल गई? हालेलुया। कोई बताएगा क्या योजना है? जोर से, अभी मैंने बताया, परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर के चरित्र को पूरे संसार में फैलाना है हमें, इसलिए उसने हमें चुना है, ये उसकी योजना है। ठीक है, हमने ये जान लिया हमारी उस जीवन में उसकी बुलाहट क्या है, उसकी योजना क्या है, कि उसके गुणों को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएं। लेकिन हमने ये भी जान लिया कि ये एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति इस कार्य को पूरा नहीं कर सकता, पूरी कलीसिया को, परमेश्वर ने कलीसिया को अपनी देह का, पूरी देह को एक साथ एक होकर इस काम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। उसके काम में पूरी कलीसिया, हम सबको एक होकर चलना है। पौलुस को पता था कि परमेश्वर के योजना लोगों के लिए जो है, वो योजना एक व्यक्ति पर पूरी नहीं कर सकता, इसलिए वो कहता है कलीसिया तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। कलीसिया के द्वारा अपनी योजना वो पूरी करना चाहता है और अपनी वो बुलाहट के बाद में तुरंत चाल चलन की बात करता है कि तुम जैसे बुलाए गए उसके योग्य तुम चाल चलन को अपने बना, अपने चरित्र को वैसा बनाओ। अब जो बुलाहट उसने दी है, जो योजना उसकी है, उसका उसको पूरा करने का एक पहलू यहां पर वो हमें याद दिलाता है। हालेलुया। जब वो बताता है बुलाहट के बाद में कि एक व्यक्ति इसे पूरा नहीं कर सकता, इसे कलीसिया को पूरा करना है, और कलीसिया के द्वारा भी जब ये काम होता है, ठीक वैसे ही शैतान काम करता है जैसे उसने आदम के जीवन में किया था। किस किस को पता है कैसे काम किया था? जब परमेश्वर ने अपनी योजना आदम के जीवन में शुरू की, उसने उस वक्त
जैसे आदम के जीवन में काम करना शुरू किया था, ठीक वैसे ही अब जब कलीसिया को उसकी बुलाहट को पूरा करने में आगे बढ़ रही है, वो कलीसिया में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे उसने आदम के जीवन में काम किया। वो कलीसिया में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, आपसी बैर, नफरत, गुटबंदी जैसी चीज़ें लेकर आता है, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ें अगर कलीसिया में होगी तो कलीसिया कभी भी एक नहीं हो पाएगी। अगर कलीसिया एक नहीं होगी तो परमेश्वर की जो योजना है वो पूरी कलीसिया के द्वारा नहीं होगी। इसलिए पौलुस यहाँ पर एकता की बात करता है। हमें इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें अगर आ गई, कलीसिया एक, कलीसिया की एकता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और कलीसिया की एकता अगर ख़त्म हो गई तो कलीसिया परमेश्वर की योजना को पूरा करने में असफल हो जाएगी। इसलिए पौलुस 4:3 में क्या कहता है, मैं कहता हूँ कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो, एकता रखने का प्रयत्न करो, इन चीज़ों से बचो जो शैतान तुम्हारी कलीसिया में लेकर आने की कोशिश करता है। एकता के बंधन में जब बंधे रहोगे तभी परमेश्वर की योजना के अनुसार आप कलीसिया के रूप में इस संसार में काम कर पाओगे। जब तक कलीसिया में एकता रहेगी तभी कलीसिया परमेश्वर के गुणों को लेकर संसार में आगे जा पाएगी। लेकिन एकता खत्म हो गई, अगर हम बट गए, अगर हमने गुटबंदी कर ली, अगर हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो गए, तो हम परमेश्वर की योजना को आगे लेकर जा नहीं पाएंगे। इसलिए आत्मा की एकता का जो बंधन है उसे हमें सुरक्षित रखना है। उसके बाद में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है, क्या कहता है पौलुस, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। एक बार ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे, सब लोग मेरे पीछे पढ़ेंगे, अर्थात संपूर्ण दीनता, नम्रता तथा धीरज के साथ, प्रेम से एक दूसरे के साथ सहनशीलता प्रकट करो, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की सुरक्षा, आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। वो कलीसिया की एकता के लिए पौलुस यहाँ पर 3 शब्दों को बोलता, 3 बातें यहाँ पर दी है, दीनता, संपूर्ण दीनता, नम्रता और धीरज। ये 3 चीज़ें कलीसिया के अंदर एकता बनाए रखने के लिए कैसे काम करती है। हालेलुया, इन 3 बातों को वो करने के लिए पौलुस बोलता है कि इन 3 चीज़ों को, दीनता, नम्रता और धीरज, हमारे जीवन में हमें लेकर आना है। कैसे ये दीनता कैसे काम करती है, दीनता के बारे में हम बात करते हैं। दीनता हमें अपने आप को दीन करने की ज़रूरत है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो दीन, अपने आप को दीन करने का मतलब अपने आप को कमज़ोर करना। क्या आप अपने आप को दीन करने का मतलब अपने आप को कमज़ोर करना है? नहीं, कलीसिया में हमें अपने जीवन को दीनता में जीना है। सिर्फ कलीसिया में नहीं है, अपने रोज़ाना की ज़िंदगी को हमें परमेश्वर की जैसी दीनता में हमें जीना है। दीनता कैसे कलीसिया में एकता के लिए काम करती है? कुछ लोग सोचते हैं कि दीनता कुछ लोगों के लिए अंदर लेके आनी बड़ी मुश्किल होती है। क्यों? उनको थोड़ा सा घमंड होता है कि मैं तो बड़ा एक अच्छा ओहदे वाला व्यक्ति हूँ, मैं गवर्नमेंट नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो ये व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर तो ये खासियत है। वो उसका एटीट्यूड, उसका व्यवहार टोटली अलग होता है, टोटली डिफरेंट होता है, उसके अंदर दीनता नहीं होती। और जब दीनता नहीं होती, जैसे पौलुस कहता है कि दीनता होनी चाहिए, अगर दीनता कलीसिया के अंदर हमारे जीवनों में नहीं है तो हमारे जीवन को देखकर, हमारे एटीट्यूड को देखकर, हमारे व्यवहार को देखकर कोई भी ठोकर खा सकता है। संभव है कि नहीं है? संभव। अगर हमारे जीवन में दीनता नहीं है, हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन सकते हैं। अगर हम अपने एटीट्यूड के कारण, अपनी जीवन में कठोरता के कारण, दीनता ना होने के कारण किसी के लिए ठोकर का कारण बन गए तो कलीसिया की एकता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप को दीन करना है, अपने आप को दीनता में अपने जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह ने दीनता की छाप छोड़ने के लिए उसने अपने चेलों के पैरों को धोया। अभी कुछ समय पहले हमने पैरों को धोया था कि नहीं धोया था? किस किस के पैर धुले थे? प्रभु ने
एक उदाहरण दिया, एक छाप अपने चेलों के जीवन पे छोड़ी थी कि वो दीन बने। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकारों का त्याग कर सकते हैं, वो परमेश्वर होते हुए भी उसने अपने चेलों के पैरों को धोया, वो राजा होते हुए भी उसने अपने चेलों के पैरों को धोया, वो सृष्टिकर्ता होते हुए भी उसने अपनी सृष्टि के पैरों को धोया। हमारे लिए मुश्किल क्यों होता है अपने आप को दीन करना? याद रखें, हमारी दीनता कलीसिया की एकता पर असर डालती है। हमारे जीवन में दीनता है तो हम बहुतों को परमेश्वर के करीब लाने का साधन बन सकते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में दीनता नहीं है तो हम विभाजन का कारण बन सकते हैं। इसलिए हमें दीनता की जरूरत है, अपने जीवनों में परमेश्वर की इसी दीनता को हम लेकर आए। हालेलुया। और एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर की नज़र में हमारा ओहदा, हमारी पहुंच कुछ मायने नहीं रखती। अगर मायने रखता है तो सिर्फ ये रखता है कि उसके हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो रही है या नहीं हो रही है, ये मायने रखता है। हमारा ओहदा, हम कितने बड़े व्यक्ति हैं, हम कितने बड़े कमाने वाले वो हैं, हम कितने, हमारी पहुँच क्या है, परमेश्वर की नज़र में कोई मायने नहीं रखती। वो सिर्फ हर मनुष्य को अपनी दृष्टि से, वो समान दृष्टि से देखता है। हम सब मनुष्य उसकी नज़र में एक है। हमें अपने जीवन को दीन करना है ताकि हमारे द्वारा किसी को ठोकर ना लगे। दीन अपने आप को छोटा करना है। कोई बात नहीं, अगर कुछ बातें सुनने को मिल जाए जो हमें अच्छी ना लगे, उसके बावजूद भी उसे सहन कर लो। क्योंकि मेरे हम एक बार जब ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है, एक बार अपनी नज़रों को प्रभु की ओर लगाना। उसने भी अपने आप को इसी तरह दीन किया था। अब उसकी योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होनी है तो उसकी दीनता को भी हमें अपनाना है। हालेलुया। क्योंकि ये वही योजना है जो उसने आदम के द्वारा प्रारंभिक समय में शुरू की थी। फिर नम्रता के बारे में हम बात करते हैं। नम्रता बहुत अलग चीज़ है। नम्रता हमारे जीवनों में परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र हो जाएं। जब हम नम्रता हमारे जीवन में है या नहीं, कैसे हम उसको जांचें, कैसे हम पता करें? कई बार ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी हम किसी की बातों को लेकर उखड़ जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमें सहन नहीं होता, हमें गुस्सा आता है, हम उखड़ जाते हैं। फिर क्या होता है, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बोलने का तरीका सही नहीं था, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया। हम किसी की बातों को लेकर जल्दी उखड़ जाते हैं। जब हम किसी की बातों को लेकर, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, हम उखड़ जाते हैं। जब हम अपना अपमान महसूस करते हैं तब हम उखड़ जाते हैं। ये हमारे जीवन का सबूत है कि हमारे जीवनों में नम्रता नहीं है। हमें नम्रता अपने जीवन में लेकर आनी है। नम्रता हमें सहनशील बनाती है। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं आती तब तक हम सहनशील नहीं हो सकते, हम सहन नहीं कर सकते। आप किसी भी बात को सहन कर लेते हो, कलीसिया में किसी ने आपके बारे में कुछ बोल दिया, बाहर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप सहन कर लेते हो। आपको पता है, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्रेम, ये परमेश्वर के गुण है, मनुष्य के गुण नहीं, परमेश्वर के गुण है जो उसने हमारे अंदर डाले हैं। तो कभी भी अब ऐसा होता है तो हमें सहन कर लेना चाहिए। नम्रता हमें सहनशील बनाती है। जब तक हम अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे तब तक हम किसी की कोई भी बात या विरोध सह नहीं पाएंगे जो किसी न किसी की लाइफ में किसी न किसी के द्वारा आता ही है। कभी न कभी ये मौका जरूर आएगा कि आपको किसी की बात बुरी लगी। कभी न कभी मौका जरूर आता है कि आपको किसी का एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, आपको अपना अपमान महसूस हुआ। लेकिन नम्रता रखिए अपने हृदय में, क्योंकि नम्रता परमेश्वर का गुण है और यही वो गुण है जिसे परमेश्वर सारी सृष्टि पर फैलाना चाहता है हमारे जीवनों के द्वारा। तो हमें नम्रता को अपने जीवन में लेकर आना है। हम नम्रता का उदाहरण किसको रखें? सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु को मूर्ख कहा गया। क्या कहा गया? मूर्ख कहा गया। उसके परिवार के लोगों ने यीशु मसीह को मूर्ख कहा, पागल कहा। क्या यीशु मसीह पागल थे? नहीं। कोई बात, उन्होंने सहन कर लिया। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। क्या किया गया? थूका गया। क्या आपके मुंह पे किसी ने थूका है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया था। प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के मुंह पर थूका गया था उस समय पर। उसने वो सहन कर लिया। उसकी सहनशीलता की सीमा क्या है?
उसकी सहनशीलता का स्तर क्या है उसे देखिए, और हमारी सहनशीलता का स्तर क्या है वो भी हमें देखना है। क्यों? क्योंकि सहनशीलता भी परमेश्वर का गुण है जिसे वो सारी सृष्टि पर फैलाना चाहता है। हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, हमारे अंदर नम्रता नहीं है, तो हमारे जीवनों के द्वारा उसकी महिमा हो नहीं रही है। अगर हमारे जीवन में सहनशीलता और नम्रता नहीं है तो हम परमेश्वर की उस योजना का हिस्सा नहीं है जो उसने प्रारंभ में आदम के द्वारा शुरू की थी। इसलिए नम्रता सहनशीलता हमारे जीवनों में होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को गालियां दी गई, पता पड़ा है आप लोगों ने वचन में, गालियां दी गई उनको, गालियां, उनकी आंखों पे पट्टी बांध के उनको घूंसे मारे गए, उनके उनके ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, लेकिन उन्होंने गुस्सा किया, गाली दी नहीं। परमेश्वर वो स्वभाव हमारे जीवनों में देखना चाहता है। ये वो गुण है, ये वो स्वभाव है जहां जो हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, ये हमें अपनाना है। ये वही गुण जो आदम के जीवन में परमेश्वर ने डाले थे, ये वही गुण है यीशु मसीह में जो आज हम देखते हैं, इनको अपनाना है, तभी हम उसके गुणों को सारे सृष्टि पर फैलाने में उसकी योजना का हिस्सा बन पाएंगे। हालेलुया। उसकी नम्रता का अगर हम स्तर देखें तो उसने क्रूस पे लटके हुए भी, जब उसकी पीठ पर 39 कोड़े पड़े थे, जब उसकी पीठ पर से उसकी हड्डियां दिखने लगी थी, जब उसका 6 लीटर के लगभग खून बह गया था, जब उसने 1.5 क्विंटल का कम से कम क्रूस उठाया था, जब वो इतनी मोटी मोटी कीले उसके हाथों से आर पार की गई थी, जब वो चिल्ला रहा था परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसा भाव उसे महसूस हुआ हमारे पापों के कारण, उसके बावजूद उसने क्रूस पर से क्या बोला, हे पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये उसकी नम्रता का, ये उसके प्रेम का स्तर है। क्या हमारे जीवन के में नम्रता का, प्रेम का ये स्तर है? अगर है बड़ी अच्छी बात है, हम परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में नम्रता का, सहनशीलता का स्तर ये नहीं है, प्रेम का स्तर ये नहीं है, तो हम उसकी प्रारंभिक योजना का हिस्सा नहीं है। ये बात कन्फर्म कर लीजिए। हमारी फितरत क्या है, हमें कोई एक गाली दे, हमारी फितरत ये है कि हम सामने वालों को 10 एक मिनट में पार कर देंगे, यही है हमारी फितरत। ये है अगर किसी ने हमारे गलती से हमारे पैर पे पैर रख दिया तो हम सामने वाला सॉरी बोलेगा, लेकिन उसकी सॉरी को हम लेंगे नहीं, उसको माफ नहीं करेंगे, उसको 10 गालियां देंगे। दिखाई नहीं देता क्या, अंधा है क्या? यही फितरत है ना हमारी। किसी ने आप एक मार दिया तो हम उसे क्या करते हैं, उसका मर्डर करने के लिए ठान लेते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे विचार आते कि नहीं आते हैं? हम मनुष्य हैं, आते हैं ऐसे विचार। परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर का प्रेम का स्तर यीशु मसीह से सीखिए। वो है सच्चे गुण जो परमेश्वर ने इंसान के हृदय में डाले थे। ये वो गुण है जो सारी सृष्टि पर हमारे द्वारा फैलने हैं। हालेलुया। प्रभु ने एक बात और बोली, जब तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरा फेर दो। ये उसकी नम्रता का स्तर है। हमारे मुंह पे एक मार दो हम डंडा उठा लेते हैं, लेकिन हमें सीखना है एक मसीही के गुण ये नहीं है। एक मसीही के गुण क्या होने चाहिए, हमने पत्रस में पढ़ा था, वही वचन हम दोबारा पढ़ेंगे। हमारे मसीह के अंदर जो गुण हैं, परमेश्वर वो गुण हमारे जीवनों में देखना चाहता है, ताकि उसकी इच्छा इस सारे संसार में हमारे द्वारा पूरी हो जाए। हालेलुया। अब धीरज की अगर बात करें, धीरज वो आत्मा है जो कभी भी हार नहीं मानता। हालेलुया। सब बोलेंगे एक बार, धीरज वो आत्मा है जो कभी हार नहीं मानता। धीरज परमेश्वर का गुण है। हालेलुया। ये भी वो गुण है जो हमारे जीवनों में होना चाहिए। ये भी वही गुण है जिसे परमेश्वर हमारे द्वारा पूरी सृष्टि पर फैलाना चाहता है। जिसके अंदर धीरज होता है वो भी किसी भी बात को सह लेता है, वो जल्दबाजी में किसी पे भड़कता नहीं है। धीरज रखना। हमारे बीच में जो लोग आते हैं उनका जो आत्मिक स्तर है वो एक समान नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। कुछ लोग परिपक्व हैं, कुछ लोग बहुत मजबूत हैं, कुछ लोग थोड़े सीख रहे हैं, थोड़े से कमज़ोर हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल के एक एक पद उनको पता है, सब उनको बाइबल का अच्छा ज्ञान है। जो बाइबल वचन में ऐसा लिखा है, जो तुम्हारे बीच में कमज़ोर हैं, जो तुम्हारे मध्य कमज़ोर हैं, तुम उनको क्या करो,
उनको अपने साथ लेके आगे बढ़ो, और जो हमारे बीच में कमजोर हैं हम उनको एक साथ लेकर तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक धीरज हमारे अंदर नहीं होगा। अरे तुम तो मसीही हो, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। अरे वो सीख रहा है, उसको सीखने दो, उसको थोड़ा ऊपर उठने दो। आपको पता है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपको इस बात का ज्ञान है, लेकिन बेचारा वो नया नया है, वो सीख रहा है, उसको उठने दो, उसका विरोध मत करो। ये ऐसी बातें जो होती हैं, हमें इन बातों को लेकर अपने अंदर धीरज रखना होता है। हम कलीसिया में अलग अलग लोगों के अलग अलग स्तर को देखते हैं। हमें पता है कि किसी के व्यक्ति किसी के जीवन का पाप हमें दिख जाए तो हम क्या कर देते, उसका बखान करने लगते हैं। आपको पता है, जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है, उस वक्त तक यूसुफ की शादी हो चुकी थी क्या? सगाई हो चुकी थी, सगाई हो चुकी, तो शादी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन उससे पहले वो क्या थी? वो प्रेग्नेंट थी, प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में थे पवित्र आत्मा की ओर से। लेकिन ये बात यूसुफ को पता नहीं थी, बाद में स्वर्गदूत ने बताया। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो उसने क्या बोला, क्या बोला उसने, यूसुफ ने क्या बोला, मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा, बदनाम नहीं करूंगा। ये उसकी धार्मिकता थी, ये उसके उसका प्रेम था कि उसने जो भी किया, मैं उसे बदनाम तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे छोड़ दूंगा। बाद में स्वर्गदूत उसे बताता है जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से, बाद में वो उसको स्वीकार करता है। क्या सीखते हैं हम, जब किसी के जीवन का पाप आपको पता चलता है, एकदम से जाके किसी के सामने रिवील मत करो, तुझे पता है उसने ये कर दिया, तुझे पता है उसने ये कर दिया, तुझे पता है उसने, पता है वहां पर क्या करके आया है वो, तुझे पता है कल वो वहां पर पड़ा था। जल्दीबाजी में ये मत करो, वो कमजोर है, परमेश्वर उससे भी उतना ही प्रेम करता है जितना हमसे करता है। उसको ऊपर उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है कि क्योंकि हम अगर हम आत्मिक रीति से मजबूत हैं तो हम उन कमजोरों का सहारा बने जो हमारी कलीसिया में हैं। उनके साथ वाद विवाद ना करें, उनके साथ झगड़ा मत करें। ये गुण है, धीरज परमेश्वर का गुण है। हम लोगों की कमियां गिनते हैं, हम लोगों की कमजोरियां गिनते हैं, हम लोगों के पाप गिनते हैं। एक बात मैं पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिए, आपके अंदर क्या खासियत थी जो यीशु मसीह ने आपको ग्रहण कर लिया? हमारे अंदर क्या, कौन सी अच्छी बात थी कि उसने हमें अपना अपना बेटा और बेटी बना लिया? उसने भी धीरज रखा, धरती पे 33 साल वो रहा हमें उद्धार की योजना में शामिल करने के लिए, उसने भी इंतजार किया। इसलिए धीरज रखें अपने जीवन में, जो आपके आसपास के लोग हैं जो कमजोर हैं उन्हें ऊपर उठाएं। अगर हम विरोध करने में लग गए, अगर हम लोग कमजोर लोगों को ऊपर उठाना भूल गए, अगर उनकी कमियों की गिनती करना शुरू कर दी, इसका मतलब हमारे अंदर धीरज नहीं है। हम धीरज से उनको स्वीकार नहीं किया, हमने ये सोच के उनको स्वीकार नहीं किया, कोई बात नहीं, आज इसने किया है कल सीख जाएगा, ये धीरज होता है। कोई बात नहीं, आज इस भाई को इस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन खुदा का वचन पढ़ेगा, खुदा का कलाम इसकी ज़िंदगी में काम करेगा, सीख जाएगा, कोई बात नहीं, ये धीरज होता है। धीरज परमेश्वर का गुण है, ये भी वो गुण है जो परमेश्वर ने प्रारंभ में आदम के जीवन में डाला था, जो आज यीशु मसीह के द्वारा वो हमें देना चाहता है, और आज इस गुण को वो पूरी पृथ्वी पर फैलाना चाहता है। हालेलुया। तो हमें देखना है क्या ये धीरज, नम्रता, सहनशीलता हमारे जीवनों में है कि नहीं है। अगर ये नम्रता, धीरज, सहनशीलता और धीरज हमारे जीवनों में नहीं है, तो हम कलीसिया में अनेकता का कारण बनते हैं, एकता का कारण नहीं बनते। हमें एक होना है, हमें एकता बनाए रखना है। एकता धीरज रखने से आएगी, एकता नम्रता, अपने आप को नम्र करने से आएगी। लोग आपके विरुद्ध में कुछ बोले, कोई बात नहीं, माफ़ कर देना। अब माफ़ करना भी खुदा का गुण है। प्रेम, वैसे प्रेम करो वचन में लिखा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, जैसे यीशु मसीह का प्रेम कैसा था, वैसे परमेश्वर हमें दूसरों से प्रेम करने की सलाह देता है, आज्ञा देता है। क्या हम प्रेम करते हैं? क्या हमारे हृदय में नम्रता है? क्या हमारे जीवनों में हम दीन हैं? क्या हम एकता की कामना करते हैं कि नहीं करते हैं? हालेलुया। इन तीन चीज़ों को अपने जीवनों में देखना है, दीनता, नम्रता और धीरज। अगर ये हमारे जीवनों में है
तो हम परमेश्वर की योजना में शामिल हैं, उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर दीनता नहीं है, हम अपने 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 सम्मान को नीचा नहीं करना चाहते, अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, हम अपने आप को छोटा दूसरों के सामने परिवर्तन दिखाना नहीं चाहते, अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है, हम दूसरों पर बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं, उनको सहारा नहीं बनते हैं, तो याद कर लीजिए, हम कलीसिया में अनेकता फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कलीसिया वो जगह है जहाँ से परमेश्वर का काम होना है, कलीसिया वो जगह है जहाँ से परमेश्वर के गुणों का प्रसारण पूरी दुनिया में होना है, कलीसिया वो जगह है जिसे परमेश्वर ने अपनी देह कहा है, कलीसिया वो जगह है जहाँ पर उसका सिंहासन लगता है, कलीसिया वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा अपना प्रेम प्रकट करता है। यहाँ पर उसकी इच्छा को पूरा होने दीजिए, अपनी इच्छाओं का त्याग करना सीखिए, बलिदान करना सीखिए। यीशु मसीह ने भी बलिदान किया था। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इन चीज़ों को देखें अपने जीवन में, मेरे जीवन में दीनता, नम्रता, धीरज है कि नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में होने से, और अगर हमारे जीवनों में है तो हम एकता को बनाए रखने में समर्थ रहते हैं, क्योंकि हम सह लेंगे, क्योंकि हम प्रेम कर लें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के गुण हैं। जो बुलाहट के बारे में शुरुआत में उसने बात की थी, पौलुस इसलिए बात करता है, पहले तुम जान लो तुम्हारे बुलाहट की गंभीरता क्या है, तुम्हारे बुलाहट कितनी गंभीर है, उसके बाद में ये बताता है उस बुलाहट को पूरा करने के लिए तुम्हारी जिंदगियों में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। अगर हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम परमेश्वर के सामने आज अपने आप को लेकर जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मुझे दीन करिए, मुझे नम्र कीजिए, मुझे धीरजवान कीजिए, मेरे जीवन में धैर्य को डालिए ताकि मैं कमज़ोर लोगों का सहारा बन सकूं, ताकि तेरे प्रेम को लेकर इस पूरी दुनिया में मैं जा सकूं। हालेलुया। अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे।